भगवा चाहिए। नरेंद्र मोदी भगवा का अपमान कर रहे हैं, वो अपने अल्लाह को मानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं महाकाल को माना, अब विश्व में पहला है, पहला देश ऐसा भारत है जहाँ से पहला कोई यात्री पैदल 6000 कुछ किलोमीटर की 6800 कुछ मिनट किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा, सीधा कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा करूंगा। जितने मेरे हिंदू भाई रहेंगे वो माला पहनाते हुए मेरे साथ चलते चलते मेरा साथ देंगे। उस काला जादू के तौर पर विरोध करने के लिए काला कपड़ा ही पहना जाए। कल मैं आऊंगा और यहाँ से दिल्ली से सीधा कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा करूंगा। जितने मेरे हिंदू भाई रहेंगे वो माला पहनाते हुए मेरे साथ चलते चलते मेरा साथ देंगे। उसी प्रकार अगर आज इस्लाम धर्म में वो मक्का जा रहा है, हज करने जा रहा है और पैदल जा रहा है और उसको जन सबू मिल रहा है, तो कुछ मौलाना और पंडित इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब देखिए ना, आपके बिहार में सरकार गिरेगी, मीडिया को वहां से भी तो गोबर के नारे लगे ना। अंजना ओम कश्यप, देखिए सिस्टर मैं आपको बता दूँ, अंजना ओम कश्यप मेरी बहन है, वो एक महिला है। तो आप बताइए ये वही अंजना ओम कश्यप है ना जो जहांगीरपुरी में जब हमसे इंटरव्यू में बात हो रही थी तो एक ये जाली पास ग्रिल लगी हुई थी, वहाँ एक लोगों ने कहा मैं तो हिंदू हूँ, मेरा मकान क्यों तोड़ा, मैं तो हम लोग तो भाईचारे से रहते हैं। उन्होंने माइक डाल दिया था हमारी जनता की आवाज बनी। काला जादू के तौर पर विरोध करने के लिए काला कपड़ा ही पहना जाता है। और मैं एक चीज बता दूँ, हम राम मंदिर का विरोध कोई नहीं करता। राम को जो राम को लाए हैं, जो कहते हैं राम राम को लाए हैं, हम राम राम हमें लाए हैं। पहला और सुनिए 5 अगस्त को कर लेते, 5 अगस्त को महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचारी का विरोध हुआ था और देश के लोकतंत्र का दिन था, कोई धार्मिक दिन नहीं था, देश के लोकतांत्रिक दिन था। और देश के लिए यह बात जरूरी है कि गरीब जनता की मांग क्या है, आप बताइए। राम मंदिर, राम एक मिनट, राम मंदिर में पूर्व विधायक विधायक मेयर जमीन कब्जियाते हुए पकड़े गए, जमीन कब्जा करते हुए पकड़े गए, क्या मुँह से बात आ गई, चला बुलडोजर और त्यागी। अरे उन्होंने तो बोल दिया ना कुछ दिन का भ्रष्टाचार। देखिए एक चीज बता दे, ऐसा ही होते बार बार ये मसला उठाया है, नरेंद्र गिरी की हत्या इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रयागराज में नरेंद्र गिरी की हत्या, ये साफ जाहिर करती है कि राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूला गया था, उसमें लाभारी मात्रा में पैसे वसूले जो गए थे वो लूट गए थे, उसमें लूटा गया पब्लिक को। और राम मंदिर कम्प्लीट नहीं हुआ, 14 जीते 19 जीते 22 जीते अब 24 भी जीत रहे हैं, लेकिन बेशर्मों में राम मंदिर नहीं बनवाया था। तिरंगा लग चुका है डीपीओ पे, तिरंगा लग चुका है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लेकर डीपी लग चुकी है। आरती नरसिम्हा सरस्वती जो बाबा हैं कह रहे हैं कि ये जो तिरंगा जो मुहिम चल रहा है ये भगवा को अपमान करने के लिए है, हर हिंदू के घर पे भगवा चाहिए। नरेंद्र मोदी भगवा का अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भगवा का अपमान कर रहे हैं। मुहिम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू की है, हर घर तिरंगा का नारा आपने ही तो दिया है, तो आप सवाल कीजिए यति नरसिंहानंद को, सवाल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से। आप एक संतों के संत का विरोध करते हैं। मैं संत वो संत कैसा है भैया जो पैसा लेके मुसलमान को हिंदू बना लेता है, लूट लूट खा रहा है। हाँ उसके आगे वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व। अच्छा अच्छा ये बताइए, हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन महंगाई के बारे में नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व की बात एक मिनट, हिंदुत्व की बात करेंगे पर अग्निवीरों पे नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन हाथरस की बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन बेटियों का रेप कर दो इसकी धमकी देंगे मुनि महाराज। वित्त मंत्री से पूछिए प्याज का रेट उनको पता नहीं होता है, 20,97,000 करोड़ कोरोना काल में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने इसका ऐलान किया था, वो पैसा कहाँ गया? वित्त मंत्री से कहिए क्या हुआ ना, क्या वैक्सीन सही था, एक वैक्सीन के चक्कर में एक लोगों को खाना मिल रहा है, एक वैक्सीन के चक्कर में आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने डीजल बढ़ा दिया, आपने महंगाई बढ़ा दी, आपने नौकरी खत्म, और आपको नया घोटाला और तैयार मिलेगा, देखिएगा आप जांच कराइएगा 15 अगस्त के जाने के बाद में। ये तिरंगा जो बेचा जा रहा है ना, राष्ट्र ध्वज जो बेचा जा रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा घोटाला आएगा। सबसे लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा चाइना को ऑर्डर दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा चाइनीज झंडे लगाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी भी 35,000 करोड़ का
रेल का चक्का बनाने का जो टेंडर दिया गया था विरोध होने करने और मोदी मीडिया का आज एक पर्दाफाश। आज देखिए कि आप जब क्या कहते हैं बिहार में सत्ता गिरती है और 24 घंटे की सत्ता नहीं होती है, उस वक्त में मोदी मीडिया के जो तीनों प्राइम टाइम करते हैं अंजना ओम कश्यप और क्या कहते हैं अवनीश और क्या कहते हैं ये जो जी न्यूज़ वाले और आज तक वाले जो प्राइम टाइम करते हैं 9 बजे, उसमें एक ही आंकड़े बताते हैं। क्या स्क्रिप्ट एक थी? क्या स्क्रिप्ट एक थी? 52% से क्या कहते हैं कुपोषण से क्या कहते हैं बिहार में बच्चे मर गए। और उसी से एक मिनट, हमें आतंकवादी कहा जाता है? आई एम इंडियन गवर्नमेंट भैया, ये देखो हमारा पासपोर्ट, हम इसी देश के नागरिक हैं। पासपोर्ट लेके घूमते रहते हैं? नहीं, आज दिखाई जरूरत पड़ गई है हमें आतंक भाई, हमें कहा गया किसी और देश से आया है, फंडिंग आती है, आतंकवादी है। मतलब भारत में संतों को कहा जाएगा कि भैया संतों को पैसा, अरमान खान नाम है हमारा, बार बार कहा कि मेडिकल जांच करा लो, वसीम की तरह कटा नहीं हमारा, फिर भी नहीं मानते। आज तो दिखा दिया ना पंडित विजय कुमार शर्मा, ये मेरा पासपोर्ट है, अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या दे रहे हैं? और कुछ प्रूफ देना है क्या इंडिया में रहने के? तो ऐसे ही बनेगा हिंदू राष्ट्र फिर? अरे हिंदू राष्ट्र बनना ही नहीं है, हमें हिंदुस्तान चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करें तभी तो मैदान ऐसा किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने। अगर हम दोनों को जो भी